हेलो एवरीवन, आज हम कन्वर्जन रिएक्शन का प्रैक्टिस वीडियो नंबर 2 देखेंगे। तो हमारा पहला कन्वर्जन है इथेन इनटू एथीन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लिख लेंगे। तो इथेन ये होता है और एथीन हमारा ये है। अब चूंकि यहाँ पे कार्बन नंबर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में सेम है तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब हमको दो हाइड्रोजन हटा के एक डबल बॉन्ड जो है वो लगाना है। तो ये काम कैसे होगा, तो देखो जरा, एल्केन से एल्कीन का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्लोरीनेशन कराना होगा सनलाइट में, तो CH3 CH2 Cl, HCl जो है वो निकल जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन जो है वो एल्कोहलिक KOH से कराते हैं, तो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें मीथेन से एथीन बनाना होता तो भैया यहां पे रिएक्टेंट तो एक कार्बन का है, प्रोडक्ट दो कार्बन के हैं, तो आपको यहां पे एक कार्बन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कार्बन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, वर्ज रिएक्शन से, और कौन सी, साइनाइड प्रोसेस से, कोरेहाउस सिंथेसिस रिएक्शन से, रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो चूंकि यहां पे कार्बन क्या हो गया, डबल बन गया, तो डबल कार्बन तो यार वर्ज रिएक्शन में आसानी से बन जाता है, तो वर्ज रिएक्शन यहां पे अप्लाई कर देते हैं फटाफट से। तो CH4 इसका हम क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट में, तो ये CH3 Cl हो जाएगा। फिर इसकी सोडियम से रिएक्शन कराएंगे ड्राई इथर में, तो इसके दो मॉलिक्यूल से ये बन जाएगा आपका CH3 एल्केन बन जाएगा। और फिर से इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये CH3 CH2 Cl बन जाएगा, और एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मीथेन से एथीन का फॉर्मेशन हम कितने और मेथड से कर सकते हैं, तो हमें तो आपकी कन्वर्जन स्किल जो है वो डेवलप करनी है। तो चूंकि यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है तो साइनाइड प्रोसेस से भी कार्बन इंक्रीज करके देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे मीथेन, इसका हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये CH3 Cl बनेगा। फिर एल्कोहलिक KCN से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3 C(NN) बन गया, एक कार्बन इंक्रीज हो गया। अब इसका हम रिडक्शन कराएंगे सोडियम एंड एल्कोहल में, तो इसकी रिएक्शन से चार नेसेंट हाइड्रोजन हमको बनाने हैं, तो ये बन जाएगा CH2 NH2, इथेनामाइन बन जाएगा। और इसको हम बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन, ये हमारी मेंडियस रिएक्शन है। फिर इससे हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, तो HNO2 की रिएक्शन कराते हैं। HNO2 का सोर्स क्या होता है, NaNO2 को आप HCl से रिएक्ट करा दो तो HNO2 बन जाता है, इसको हम ऐसा लिखते हैं। अब क्या होता है, ये दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर बनाएगा, ये नाइट्रोजन से N2 बनाएगा, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा और वाटर निकल जाएगा, बनेगा CH3 CH2 OH, एल्कोहल बन गया। अब हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें डाल देंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, वाटर जो है यहाँ पे निकल जाता है। तो OH यहां से जाएगा तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जाएगा, तो ये हमारा एथीन बन जाएगा। तो अब हमें मीथेन से एथीन जो है वो बनानी है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है, तो चलो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। तो CH4 का हम क्लोरीनेशन करा देंगे तो CH3 Cl बन जाएगा। मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे तो ये CH3 MgCl बन जाएगा।
ये हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया। अब हमको एक कार्बन ज्यादा का एल्कोहल बनाना है, तो एक कार्बन ज्यादा का एल्कोहल तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड से ही बनेगा, तो इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करा देते हैं। तो ये आएगा CH3, ये सी एच टू, ये ओ एम जी सी एल, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पे तो MgCl जुड़ेगा और यहाँ पे ये CH3 जुड़ जाएगा। तो वही लिखा है हमने, ये CH3 ये लिखा, ये बन जाएगा CH2 तो ये लिखा, और ओ MgCl ये लिखा। अब इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि वाटर का H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव तो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा MgClOH, ये बन के निकल जाएगा और OH आएगा यहाँ पे, तो ये आपका एल्कोहल बन जाएगा। अब क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो और 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो ये हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से एल्कीन बना लिया। तो अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये हमारा एल्कीन जो है वो कैसे बनेगा, तो हमने हाइड्रोकार्बन की लिस्ट बनाई थी, एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्काइल हैलाइड एल्कोहल, तो जो कंपाउंड जितने एल्कीन के पास में होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा एल्कीन बनाने की होगी। तो एल्काइल हैलाइड पास में होता है, एल्कोहल पास में होता है, एल्केन पास में होता है, तो इनसे हम जो है वो एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आपको ये हिंट याद रखनी है। अब जो हमारा थर्ड कन्वर्जन है उसमें हमें एथीन से प्रोपीन बनानी है, तो हमारा एथीन का फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे दो कार्बन का रिएक्टेंट है और तीन कार्बन का हमें प्रोडक्ट बनाना है, तो ये तो स्टेप अप प्रोसेस हो गई। तो स्टेप अब तो हम बर्ज रिएक्शन से करते हैं, कोरेहाउस सिंथेसिस से करते हैं, साइनाइड प्रोसेस से करते हैं और ग्रिगनार्ड रिएजेंट से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन बढ़ रहा है और ये हमारा ऑड नंबर का प्रोडक्ट बन रहा है, तो बर्ज रिएक्शन तो नहीं करेंगे हम, तो फिर ये कन्वर्जन हम कोरेहाउस सिंथेसिस से कर सकते हैं, हम साइनाइड प्रोसेस से कर सकते हैं और ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइनाइड प्रोसेस से करेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे निकिल कैटलिस्ट में, तो ये CH3 एल्किन बन जाएगा। इसका हम क्लोरीनेशन करा देंगे, तो ये CH3 CH2 Cl बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन जो है वो एल्कोहलिक केसीएन से करानी है, तो ये CH3CH2Cn बन जाएगा। फिर इसका हमें रिडक्शन कराना है NaC2H5OH से, तो ये चार नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो देगा, तो ये रिड्यूस होके CH3CH2CH2NH2Amine बन जाएगा हमारा। इस रिएक्शन को हम मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। फिर इसकी रिएक्शन जो है वो HNO2 से करानी है। HNO2 का सोर्स क्या होता है?